खबर शुरू करेंगे लेकिन पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, ये कोई बात हुई भला? इसीलिए एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप अड्डा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकाल लीजिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लीजिएगा। आपका इंतजार रहेगा। अब आ जाते हैं खबर पर। भारत ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए 8 टीम्स को हराया है। कोहली के नाम अब 49 शतक हैं और उन्होंने लास्ट मैच में मुश्किल पिच पर एंकर की भूमिका वाली पारी खेली थी। उनकी टीम भी 200 से अधिक रन से जीती। ऐसे में बिल्कुल बकवास बात है। विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 में कोहली के बल्ले से कई सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। मैच दर मैच कोहली शानदार इनिंग्स खेल टीम को जीत दिला रहे हैं। बावजूद इसके कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी आलोचना करने से चूकते नहीं। कोई उन्हें सेल्फिश क्रिकेटर बोलता है तो कोई उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाता है। ऐसे ही एक एक्सपर्ट हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज। विराट कोहली पर तंज कसना इनका फेवरेट काम बन चुका है। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने उन्हें भयंकर ट्रोल कर दिया। अभी अभी जो हमने आपको बताया वो माइकल वॉन की ही एक्स पोस्ट थी। दरअसल नीदरलैंड्स इंग्लैंड मैच के बाद मोहम्मद हफीज ने एक एक्सपोस्ट किया जिसमें उन्होंने बेन स्टोक्स की शानदार शतकीय पारी की तारीफ की, साथ ही कोहली पर तंज भी कसा इनडायरेक्ट वे में। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में माइकल वॉन को टैग कर दिया। पहले हफीज ने क्या लिखा वो आप पढ़िए। शानदार शतक, स्टोक्स ने प्रेशर में एंकर रोल वाली पारी खेली, उन्होंने अंत में टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी की। जहां टीम की जीत के लिए अधिकतम रन बनाने के लिए अग्रेसिव इंटेंट की जरूरत होती है, सेल्फिश बनाम सेल्फलेस अप्रोच का बेहतरीन उदाहरण। बस फिर क्या था, वॉन ने बिना कोई मौका गवाए हफीज की इस पोस्ट का जवाब दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा, मोहम्मद हफीज मुझे लगता है कि आपको विराट कोहली ने बोल्ड किया था, क्या तुम इसी वजह से उन पर लगातार निशाना साधते रहते हो? दरअसल वॉन ने T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2012 के भारत पाकिस्तान मैच का जिक्र किया था। इस मैच में विराट कोहली ने मोहम्मद हफीज को कोलंबो के मैदान पर क्लीन बोल्ड किया था। अब हफीज को कोहली से क्या दिक्कत है और माइकल वॉन उन्हें क्यों ट्रोल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। कोहली ने अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा और सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कोहली की इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने मैच में 243 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इतना सब होने के बाद भी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को कोहली की पारी रास नहीं आई और उन्होंने इसमें तमाम नुक्स निकाल दिए। मोहम्मद हफीज ने कोहली की इस पारी को सेल्फिश बताया। हफीज ने मैच के बाद एक एक्सपर्ट कमेंट्री में कहा, मैंने विराट कोहली की बल्लेबाजी में स्वार्थ की भावना देखी और इस वर्ल्ड कप में ऐसा तीसरी बार हुआ। 49वें ओवर में वो एक रन लेकर अपना शतक पूरा करना चाह रहे थे और उन्होंने टीम को पहले स्थान पर नहीं रखा। रोहित शर्मा भी स्वार्थी क्रिकेट खेल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में अभी दूसरा मौका है जब मोहम्मद हफीज को माइकल वॉन ने कोहली की आलोचना को लेकर ट्रोल किया है। अब हफीज इसके बाद कोहली के बारे में कुछ कहने से पहले दो बार जरूर सोचेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।